कुरवाई थाना परिसर में रक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें एसडीओपी ललित सिंह डांगोर, थाना प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह, बीएमओ डॉक्टर ए के श्रीवास्तव, डॉक्टर नागेश सहित ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों को घटना दुर्घटना से बचाने के दिशा निर्देश दिए और लोगों को एक दूसरे का सहयोग करने की अपील की। कुरवाई से शानू खान की रिपोर्ट। सर, आज किस संबंध में मीटिंग रखी? हमारे ईशा जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मोनिका शुक्ला द्वारा एक विशेष निर्देश दिए गए, जिसके तहत सब डिवीजन लेवल पर, थाना लेवल पर हम लोग जो ग्राम रक्षा समिति है हमारी और जो नगर सुरक्षा समिति है उनका सम्मेलन कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य उनको नई जानकारियाँ देना जी। खासतौर से हमने जो यहाँ के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है उनको भी आज बुलाया था, किस प्रकार हम मेडिकल एड, फर्स्ट एड दे सकते हैं पेशेंट्स को, या दुर्घटना के समय कैसे काम कर सकते हैं, इसके बाद इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, मिलजुल के पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें, ग्राम रक्षा समिति और पुलिस मिलकर त्यौहार जो आने वाले हैं उनमें अच्छा से काम कर सकें और हमारे जो शहर है उसमें कैसे क्या और ज़्यादा व्यवस्थाएँ कर सकें, उसको लेकर आज हमारा शिविर था जी। और इसमें कुछ विशेष प्रशिक्षण भी हमने अपने सहयोगी को दिए हैं जी। सर, कोई विशेष मुख्य आपने कोई जानकारी दी है सर जो आप बता सकते हैं? उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि चूंकि हर क्षेत्र की अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं, चूंकि ये शांत क्षेत्र है और उसमें जो इम्पोर्टेंट रहता है ग्राम रक्षा सुरक्षा समिति के सदस्यों का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो खासतौर से बाढ़ इंतजाम करना, त्यौहारों का इंतजाम करना और जो एक्सीडेंट होते हैं जनरली रोड पर उनमें कैसे क्या वो मदद कर सकते हैं और कैसे क्या शासन से उनको सहयोग है और उनको एक ये माना जाता है कि वो बहुत ही अच्छे कार्य उन्होंने किया है, इस बारे में ज़्यादा हम लोगों ने फोकस किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।